हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये नेगेटिव स्टॉक और नेगेटिव कैश क्या होता है और इसको कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं उस बटन को जो हमें नेगेटिव कैश और नेगेटिव स्टॉक की जानकारी देगा टैली में। तो चलिए सबसे पहले टैली को ओपन कर लेता हूं मैं। तो देखिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा, उसके लिए वी प्रेस कीजिए। और देखिए अभी हम पेमेंट वाउचर में है। पेमेंट का यानी हमने किसी से, जैसे सपोज कीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, तो कैसे पेमेंट करेंगे? हम खुद पैसा देंगे, कैश देंगे, तभी तो पेमेंट करेंगे, कैश या चेक जो भी हो, ठीक है। तो उसके लिए हम F12 प्रेस करते हैं, ठीक है। F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको शो होगा नेगेटिव बैलेंस। आप देख सकते हैं यहां शो कर रहा है वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। तो ये पहले से यस है, अगर आप इसको नो कर देंगे तो नेगेटिव कैश नहीं शो होगा, ठीक है। आइए दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे ही हम बाउचर एंट्री यानी बाउचर चेंज करेंगे, यानी कि हम आएंगे F8 सेल्स बाउचर में, तो F8 प्रेस करके जैसे ही हम सेल्स बाउचर में आएंगे तो अब यहां F12 प्रेस करेंगे तो नेगेटिव स्टॉक आएगा। देखिए यहां पे आ रहा है वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, ठीक है। तो ये भी यस है, तो यहां से आप चाहे तो इसको नो रख सकते हैं। नो रखेंगे तो आपको नेगेटिव स्टॉक के बारे में पता नहीं चलेगा, और अगर यस रखते हैं तो नेगेटिव स्टॉक जब भी आपका स्टॉक कम पड़ेगा तो ये बताएगा कि योर स्टॉक इज नेगेटिव, ठीक है। तो आइए अब एंट्री करते हैं और देखते हैं, इसको समझते हैं। सपोज कीजिए ये रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया और यहां कैश डाल देते हैं और एंट्री करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहां पर सेल्स का लेजर बनेगा, तो अल्ट सी करके लेजर बना लेते हैं सेल्स का, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको अंडर सेल्स अकाउंट में रखेंगे, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहां पर अब हमें स्टॉक लेना है, जैसे सपोज कीजिए डेस्कटॉप है और कीबोर्ड है और हम यहां पर मोबाइल सेल करना चाहते हैं। तो अगर हम मोबाइल यहां देना चाहते हैं तो यहां पे जैसे ही हम एम प्रेस करेंगे तो ये एरर दिखाएगा, ठीक है। अब चलिए अल्ट सी करके लेजर बना लेते हैं मोबाइल का, बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको अंडर प्राइमरी में रखेंगे और यूनिट में आएंगे तो यहां आइटम ही रहने देते हैं। एंटर प्रेस करता हूं, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसको किस गोडाउन में डालना है, जैसे देवरिया गोडाउन में डालना है। देवरिया गोडाउन में हमने एक मोबाइल रखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ रहा है नेगेटिव स्टॉक। क्यों नेगेटिव स्टॉक आ रहा है? क्योंकि हमने, अब देखिए हम किस बाउचर में एंट्री कर रहे हैं, देखिए यहां पे सेल्स बाउचर में एंट्री कर रहे हैं, हमने परचेज किया नहीं है और सेल्स बाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव स्टॉक तो आएगा ही आएगा। और जो हमने नेगेटिव स्टॉक वाला आइटम जो हमने वहां से एक्टिवेट किया था वो इसी की वजह से आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि नेगेटिव स्टॉक का क्या मतलब है। अब आइए थोड़ा नेगेटिव कैश की बात कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए